Assalamualaikum everyone, hope you're doing well. So today we are going to make Korean barbecue chicken rice ball. This is very simple, delicious. So let's begin to the video. लेकिन इससे पहले आप समझ चुके हैं को सब्सक्राइब कर दें, इसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मज़ेदार सा बारबेक्यू चिकन राइस बॉल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेंगे चिकन। हमने यहाँ पर 1 kg के करीब चिकन ले लेना है। उसके बाद हमने इसको थिन स्लाइसेस में कट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से कट किया है। उसके बाद जी अब हमने इसके अंदर कुछ इंग्रीडियंट्स ऐड करने हैं, जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर ऐड किया है जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून। साथ ही हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें, और साथ ही हमने इसमें ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक पाउडर। Now we can add 2 tablespoon of soya sauce in it, 2 tablespoon of red chili sauce, 3 to 4 tablespoon of tomato ketchup, और last में हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 4 tablespoon of Szechuan sauce, 2 tablespoon सफ़ेद तिल ऐड करेंगे इसमें, और last में हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 tablespoon of white vinegar। इसको ऐड करने के बाद ये अब हम लोग इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैरिनेट करके 2 hours के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि ये सब चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से अपना फ्लेवर छोड़ दें। आफ्टर 2 hours आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। उसके बाद इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं और एयर फ्राई में भी फ्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक बेकिंग ट्रे ली है, उसके बाद हमने इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर किया। फॉइल से कवर करने के बाद हमने इसके ऊपर चिकन अच्छी तरह से सेट कर देना है, जो अभी हमने यहाँ पर मैरिनेट करके रखा था। सारा चिकन इसमें ऐड करने के बाद जी अब हम लोग इसको बेक करेंगे। बेकिंग का प्रोसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब तक हमने यहाँ पर चिकन को बेक होने के लिए रखा है, तब तक हमने यहाँ पर कुछ क्यूकम्बर्स लिए थे। हमने इनको अच्छी तरह से राउंड स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इनको किस तरह से कट किया है। उसके बाद हमने इनको एक बाउल में ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून ही हमने इसके अंदर ऐड कर देना है गार्लिक पेस्ट। इसी के साथ 3 टेबल स्पून हनी ऐड कर देंगे इसमें, और 4 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर देना है वाइट विनेगर, 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे इसमें, और लास्ट में हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली सॉस। उसके बाद जी अब हम लोग इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसको 1/2 आवर के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि क्यूकम्बर्स और ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाए इसको ऐड करने से। इस पॉइंट पर जी हमने चिकन को अच्छी तरह से 15 मिनट्स के लिए एक साइड से बेक कर लिया है। इस पॉइंट पर अब हम लोग इसकी साइज को चेंज करेंगे और इसको दोबारा से 15 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। और इस पॉइंट पर हम लोग इसको तब तक कुक करेंगे जब तक इसके ऊपर एक अच्छा सा लाइट ब्राउन गोल्डन कलर नहीं आ जाता, और जब तक ये चिकन जो है अपने सारे जूसेस रिलीज़ नहीं कर देता। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चिकन को अच्छी तरह से बेक कर लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना अच्छा सा कलर भी आ चुका है। उसके बाद हमने इसके साथ वाइट राइस भी बना लिए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने क्यूकम्बर्स कट करके रखे थे, इनको भी हमने इन्हीं के साथ सर्व कर दिए। हमारे यहाँ पर मज़ेदार से बारबेक्यू चिकन कोरियन राइस बिल्कुल रेडी है। जितने दिखने में मज़ेदार लग रहे हैं, उसे कहीं करना ज़्यादा खाने में मज़ेदार है। आप ये मज़ेदार से बारबेक्यू चिकन राइस किसी भी स्पेशल इवेंट पे बना सकते हैं, और तो और आप इसको डिनर टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।